नमस्ते आप सभी को। आज मैं प्रकृति से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उपयोगी पेड़ पौधे के विषय में मैं चर्चा करना चाहता हूँ, जिसको विश्व लेवल पर मनाया जाता है। तो आप जानेंगे, बांस के विषय में जानते होंगे, बम्बू जिसको बोलते हैं बांस। तो 18 सितंबर को वर्ल्ड बम्बू दिवस मनाया जाता है। आपको इसी के विषय में और इस दिवस का मतलब है कि बांस का क्या उपयोग होता है, बांस की खेती कैसे की जा सकती है और इससे क्या फ़ायदा होता है, और इसको लगाने में, इसका उपज करने में, मतलब इसको एक प्लांटेशन करने में क्या लागत है नहीं है, इसी के विषय में आज जानेंगे। तो मैं आपको पॉइंट पर लाकर बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया भर में 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है। इसे बांस दिवस का मतलब क्या है, आप दिवस नहीं मनाएंगे तो भी बांस की उपज होती है, लेकिन है कि कहीं पर आप देखेंगे बांस की उपज की खेती है उसको भी नष्ट कर दिया जाता है। तो करा इसका उद्देश्य है कि प्राकृतिक संसाधनों को बचाना, जंगलों को कटने से बचाना है। बांस का इस्तेमाल बढ़ेगा तो जंगल की कटाई रुकेगी और इससे पर्यावरण का संरक्षण होगा। यही वजह है कि बांस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। झारखंड में भी बम्बू ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं, जहाँ बांस को न केवल घून लगने से बचाने के लायक बनाया जाता है, बल्कि प्रोसेसिंग के बाद उसकी उम्र भी बढ़ जाती है। अगला इसका ये मतलब है कि बांस की खेती में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होती है। इसका खर्च ज़्यादा, इसका खेती करेंगे तो ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है, मतलब आपको आर्थिक बोझ नहीं लगेगा, अपना आर्थिक भार, मतलब आर्थिक रूप से आप पर कोई दबाव नहीं होगा। इसके रख रखाव के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसलिए इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ साथ झारखंड में भी बांस से बने उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें बनाई जा रही है, उसे दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा जा रहा है और इसे काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। अगला इसका जो मेरा पॉइंट है, झारखंड से 19 देशों में होता है बांस के उत्पादों का निर्यात, मतलब बांस से बने हुए जो चीज़ है, से टोकरी हो गया, बहुत सारे के चीज़ आप देखते होंगे, मैं उतना गिना भी नहीं सकता हूँ, और जितना आप लोग यूज करते हैं। तो कह रहा है ये एक अकेले झारखंड से, भारत के अकेले झारखंड से 19 देशों में बांस से बने हुए चीज़ों का निर्यात किया जाता है, भेजा जाता है। सिर्फ झारखंड से 19 देशों में बांस के उत्पादन का निर्यात किया जाता है। इससे बांस के किसानों की कमाई तो होती ही है, गांव में भी बांस के उत्पादन उत्पादन बढ़ाने के लिए बांस के उत्पाद बनाने वाले कारीगरों की भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। देश में विदेशी मुद्रा आती है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। सरकार, गैर सरकारी संस्थाओं, एनजीओ की मदद से बांस के उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। इसका लाभ बांस के किसानों और कारीगरों के साथ साथ इस उद्योग से जुड़ी कंपनियों को भी हो रहा है। विश्व बांस दिवस का इतिहास पर मैं एक नज़र डालना चाहूँगा आपके सामने। विश्व बांस संगठन वर्ल्ड बम्बू ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई थी। 2009 में थाईलैंड में इस दिवस की औपचारिक घोषणा की गई। इस संगठन का उद्देश्य दुनिया भर में बांस के संरक्षण, उपयोग और सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। अब मैं आपके सामने बांस दिवस के उद्देश्य और लक्ष्य
के विषय में चर्चा करना चाहूँगा। बांस की पहचान बढ़ाना पहला उद्देश्य है इसका, बांस की पहचान बढ़ाना। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बांस के महत्व और इसकी बहुआयामी उपयोगिता को आम जनता तक पहुँचाना। इससे इस दिवस का मतलब है कि मान लीजिए कि गांव में आप या जहां भी बांस का उपयोग दो तीन काम के लिए मान लिया आप जानते हैं और आपको बता दिया जाएगा कि देखिए इस चीज़ से आप ये चीज़ बना सकते हैं, ये चीज़ बना सकते हैं, कुर्सी बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, बहुत सारे सामान घरेलू सामान आप बना सकते हैं, तो आपको लगेगा कि अरे यह इसमें तो आसानी है, आसानी से इसको उपजा भी सकते हैं और बहुत उपयोगी चीज़ भी मिलेगा। तो यही है कि इसका पहचान बनाना कि पहले बांस को पहचानिए कि कितना उपयोगी है। बांस एक सतत विकास को प्रोत्साहन, बांस के सतत विकास को प्रोत्साहन करना भी इस दिवस का उद्देश्य है। बांस एक सतत विकासशील संसाधन है जो पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुंचाए बिना निरंतर बढ़ता रहता है। मतलब बांस ऐसा फसल है जिसके बढ़ने से किसी भी इकोसिस्टम को कोई हानि नहीं पहुंचती है। इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है जिसमें पर्यावरण संरक्षण, शहरीकरण और ग्रामीण विकास भी शामिल है। विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देना, बांस दिवस मनाने का मकसद है विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देना, बांस के विभिन्न गुणों और उसके लाभकारी उपयोगों पर वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना भी इस दिवस का एक प्रमुख उद्देश्य है। बांस उद्योग का विकास, आपके सामने मैं ये चर्चा करना चाह रहा हूँ कि बांस उद्योग का विकास कैसे करें। बांस उद्योग में रोजगार के अवसर प्रदान करना और इससे जुड़ी तकनीकों को बढ़ावा देना भी इस दिवस का एक लक्ष्य है। आगे बांस का महत्व, तो बांस एक ऐसा पौधा है जो न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि आर्थिक रूप से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह तेजी से बढ़ने वाला पौधा है जिसे सही परिस्थितियों में हर दिन 3 से 4 फीट बढ़ने तक की बढ़ने की क्षमता होती है। बांस विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी होता है और इस तरह से मैंने बांस के विषय में आपके सामने जो एक सूक्ष्म जानकारी रखा और बांस का इतना उपयोग है उसकी जानकारी मैं आपके सामने सही से रख भी नहीं पाया हूँ। और हम बहुत सारे ऐसे भी सज्जन हैं हमारे देश के गांवों में जो बांस का बहुत तरह का उपयोग करते हैं और करने का कला बताते हैं, उन्हीं का दिया हुआ तथ्य मैं आपके सामने रखने की कोशिश किया। और थैंक यू।